पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी चरमरा गई है बिल्कुल, बिल्कुल जिसके पहले से फंडामेंटल्स खराब थे, इमरान खान ने उसको पेट्रोल डाल के और माचिस लगा के फूंक दिया बिल्कुल। और ये, और वो नहीं मानेगा, क्योंकि उस शख्स को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान रहे ना रहे, इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इमरान खान को जैसे ही अब पीएम पद से हटाया गया था, उसके बाद जिस तरह आए दिन इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, और सीपैक के बारे में भी इमरान खान सत्ता के दौरान जिस तरह से, चाहे सीपैक का हो पाकिस्तान के लिए, इमरान खान ने जिस तरह 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 के गड्ढे खोदे, उनकी भरपाई कर पाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। लेकिन अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बहुत जगह यह भी देखने को मिल रहा है कि इमरान खान ने भारत से पैसे खाए और इसीलिए यह सब कुछ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इमरान खान को किसी से कोई लेना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान बस किसी भी हद तक जाकर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद पर बैठे रहने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से इमरान खान के सहयोगी लोग भी आए दिन टीवी पर बैठकर पाकिस्तानी आर्मी को बिल्कुल शर्मसार करने की कोशिश करते हैं, तो उसका नतीजे में आए दिन उनको उठा लिया जाता है। और जिस तरह इमरान खान के कई चमचा लोगों की जमकर पाकिस्तानी आर्मी ने क्लास लगाई है, और एक दो को तो आज भी पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में ही है, और बहुत सारे पत्रकार पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे भी है जो कि इमरान खान की टीवी चैनलों पर जमकर पैरवी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी ने भी उनका एक के बाद एक नंबर लगा रखा है। और आने वाले दिनों में इमरान खान के साथ भी यही होने वाला है, और खासकर सीपैक जो अब पाकिस्तान में बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है, उसके बाद अब देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि भारत इसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डालने के लिए किस तरह की कोशिश करेगा। उस पर मेजर गौरवारिया ने पूरा कि भारत इस पर आने वाले किस तरह का, भारत का क्या रिएक्शन होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में काफी बढ़िया और मजेदार चर्चा की गई है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए पाक मीडिया की एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। अच्छा, एक आपने सप्लाई चेन की बड़ी अहम बात की कि हिंदुस्तान अपने सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि यार कल को कोई मसला ना हो। तो अगर इस कॉन्टेस्ट में हम बात करें सीपैक के हवाले से, कि चाइना भी शायद इसीलिए सोचता है कि यार अगर ये होगा कि अगर उस तरफ से मुझे सप्लाई चेन मेरी कटती है तो कम अज कम यहाँ से कायम रहेगी, तो कितना असर डाल सकती है ये चीज अगर होती है। ये अलग बात है कि अभी उस पर उस तरह की चीजें नहीं हमें नजर आई, लेकिन खैर अगर हो जाता है लेट सपोज। तो फकर साहब, मैं एक आपको बात बताता हूँ आपकी शो में, जो कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन जो सच है उसकी बातें करते हैं। Exactly, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फकर साहब, ऐसा है कि अभी तो खुद ही पाकिस्तान ने सीपैक अथॉरिटी खत्म कर दी। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने खुद ही बोल दिया था कि इसके कागज निकालो, इसकी इंक्वायरी करो। बिल्कुल। सीपैक की चाइनीज ने डाका डाल रखा है चोरी कर, उनके बयान ऑन यूट्यूब है, मतलब बिल्कुल रिकॉर्ड पे मौजूद है। बिल्कुल, रिकॉर्ड पे। इमरान खान साहब जब नहीं थे प्राइम मिनिस्टर तब इमरान खान साहब यही बोलते थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो सीपैक के कागज उन्होंने दिखाए आईएमएफ को, जिसके लिए बड़े परेशान हुए चाइनीज और बोला कि सब क्यों। तो पिछले 3-3.5 साल से जब से वो खान साहब थे तो वो सीपैक अपना बंद था लगभग, अब दोबारा उसको शुरू करना शाबाश शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि शुरू हो जाए। लेकिन अच्छा, ये तो बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक बात मैं आपको बता दूं, भारत कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कामयाब नहीं होने देगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूं, ये तो हमारा काम तो खैर इमरान खान ने 90% कर दिया, तो हमारी मेहनत बच गई, हमारे पैसे बच गए। लेकिन और क्योंकि इमरान खान ने एक आइडियोलॉजिकल किस्म का आदमी है, वो एक्चुअली सोचता है कि फरिश्ते आए थे और उसको नीचे लेकर, वो उसका है ऐसा कि मैं स्पेशल हूं और मैं मेरे चेहरे से नूर आता है और मैं अंधेरा कमरे में चला जाऊं तो कमरे में उजाला हो जाता है, उसके है दिमाग में ऐसा अपने बारे में थोड़ा सोचता है इमरान खान। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, इमरान खान ने तो काम कर दिया भारत का बहुत ज्यादा, खासतौर से सीपैक को लेकर। मुझे नहीं लगता कि सीपैक से पाकिस्तान का भला होता, लेकिन हाँ सीपैक से चाइना का, आपने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी है, सीपैक से चाइना का बहुत भला हो जाता। देखिये पाकिस्तान, अगर मैं किसी भी पाकिस्तानी से पूछता हूँ, जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनसे पूछता हूँ कि ठीक है, चाइना ये कहता है कि अभी तक हमने करीब $40 अरब पाकिस्तान में डाल दिए। अब सब 40 अरब, आपने बोला कि पाकिस्तान $1-2 अरब के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, मशक्कत कर रहा है। तो जो मुल्क $2 के लिए, $2 अरब के लिए, $1 अरब के लिए मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फकर साहब आपको क्या लगता है उस मुल्क के लिए $40 अरब की क्या कीमत होगी? बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा।
अगर अगर चीनी कहते हैं कि उन्होंने 40 अरब डॉलर पाकिस्तान में डाल दिए हैं, तो कोई ये तो बताए कि कितनी नौकरियां पाकिस्तानियों को मिली हैं, कितने बिजनेसेस खुले हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पाकिस्तानी रुपी डॉलर के मुकाबले कितना कुछ तो हुआ होगा जब आपने बिल्कुल आपने उसका कोई इम्पैक्ट तो नजर आना चाहिए ना। हाँ, और ये काफी सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं कि अचानक उन्होंने एक दिन बैंक में डाल दिए 40, नहीं ये तो कई सालों से सीता कम सुन रहे चल रहा है। तो मेरा सिर्फ एक बात ये कहनी है कि इसका पॉजिटिव असर क्या पड़ा, एक दिन आएगा सीपैक, उस दिन दूध और शहद की नदियां बहेंगी, एक दिन छोड़ दीजिए, अभी तक कोई ये बता दे कि साहब ऐसा है कि सीपैक की वजह से ये 1000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं, 100-200 बिजनेसेस क्रिएट हुए हैं जो सीपैक के, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सीपैक में सिर्फ पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करी गई थी, पाकिस्तान का लेबर इस्तेमाल नहीं करा, पाकिस्तान का रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं करा। ऐसा भी नहीं है कि 1000 पाकिस्तानी इंजीनियर्स को काम पर लगा रखा है, पाकिस्तान की उन्होंने अगर कुछ इस्तेमाल करा है तो पाकिस्तानी फौज को इस्तेमाल करा है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और हाँ, और उन्होंने जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जी, उसमें से एक जुडिशरी है, जुडिशरी को तो धमकी दे रहा है खुलेआम, बिल्कुल खुलेआम धमकी दे रहा है, धमकी कि मैं बिल्कुल बिल्कुल स्टेज पे खड़े होके बता रहा हूं, स्टेज पे खड़े होके। एक जुडिशरी होती है, एक फौज होती है, फौज के खिलाफ आप ट्रेंड चला रहे हैं, बाजवा ट्रेटर अपने खुद के आर्मी चीफ को उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपने 3-3.5-4 साल के लिए बंद रखा, आपने फाइनेंशियली डब्बा गोल कर दिया, हाँ बिल्कुल ठीक है। चौथी चीज, इमरान खान ने जो, ये हर एक मुल्क की सबसे बड़ी चीज होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यस, जब से इमरान खान की कुर्सी गई है भारत में, बिहार में सत्ता पलटी है, बिल्कुल यस एग्जैक्ट, मुंबई में, महाराष्ट्र में सत्ता पलटी है जी, इंग्लैंड में देख लीजिए आप, बोरिस जॉनसन वाला जी, उसकी सत्ता, आपने कहीं देखा किसी ने बोला कि साजिश हुई है और जासूस हैं और ये सब कुछ, किसी अमेरिका ने कर दिया तो इसराइल ने कर दिया, हिंदुस्तान में खुशियां बड़ी मनाई गई, ये सब देखिए बात ये है ना कि अब ये जो चूरन है ये बिकता है, कुछ बेचारे मासूम पाकिस्तानी खरीदते भी होंगे चूरन को, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज की, और वो जो भी गई हैं सरकारें वो बिल्कुल वैसे ही गई हैं जैसे इमरान खान की गई है, तीनों की तीनों, महाराष्ट्र में बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलती सरकार को एकनाथ शिंदे साहब ने बोला कि थैंक यू मैं हटा रहा हूं अपने लोग, वो चले गए गुवाहाटी लेके, जो कि ये वेस्ट में, गुवाहाटी बिल्कुल ईस्ट में है, वो असम में जी, बिल्कुल अलग जगह है, वो दूर है, उधर लेके चले गए। आप नीतीश कुमार साहब का देखिए, बीजेपी के साथ थे, उन्होंने बीजेपी को थैंक यू टाटा बाय बाय बोल दिया, दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं बोला जी। यहाँ पे ऋषि सुनाक ने और बाकी सब लोगों ने रिजाइन करा, बोरिस जॉनसन अब लगभग केयरटेकर ही है बेचारा, हाँ अब दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा जो भी होगा वो अपने इलेक्शन करेंगे अपनी पार्टी का, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये तीनों एक ही तरीके से हुए, एग्जैक्टली जैसे इमरान खान के साथ हुआ, एग्जैक्टली। क्या बोरिस जॉनसन ने बोला कि किसी ने साजिश कर दी? नो। क्या इंग्लैंड के दुश्मन नहीं है दुनिया में? क्यों नहीं होंगे, सबके दुश्मन होते हैं, बिल्कुल छोटे बड़े सबके दुश्मन होते हैं, बिल्कुल होते। एक बार बोरिस जॉनसन ने नहीं बोला, एक बार एकनाथ शिंदे साहब ने नहीं बोला, एक बार बीजेपी वालों ने नहीं बोला कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, बैरूनी मुल्क की साजिश हुई है, वो चिट्ठी है एम्बेसडर, किसी ने कुछ नहीं बोला। इमरान खान ने क्या करा है कि जो चौथी चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी चरमरा गई है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पहले से फंडामेंटल्स खराब थे, इमरान खान ने उसको पेट्रोल डाल के और माचिस लगा के फूंक दिया बिल्कुल। और ये, और वो नहीं मानेगा, क्योंकि उस शख्स को फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान रहे ना रहे इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता, इमरान खान को ये फर्क पड़ता है कि वो गद्दी पे बैठता है कि नहीं बैठता, वो पाकिस्तान का बादशाह बनता है कि नहीं बनता, उसको बादशाह बनना है, वो जैसे मुगल एक जमाने में कहते थे ना, तख्त या तख्ता, बिल्कुल आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर exactly, बिल्कुल हाँ, तख्त या तख्ता, या तो तख्त मिलेगा या तख्ता मिलेगा, तो वो उस राह पे चला गया है, और उसकी खिदमत इतनी ज्यादा है इंडिया को लेके कि मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंडिया में जी जी, लेकिन मेजर साहब ये बात, वैसे ये बात आपकी यहाँ पे भी जब हम लोग क्या करते थे तो लोग कहते थे ये पता नहीं क्या फजूल बातें करें, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग नो डाउट इमरान खान साहब की बहुत है, और वो कहते यार ये भी किसी से पैसे लेके ये वाली बातें कर रहे, जो आप कह रहे हैं कि उसने हिंदुस्तान का काम बड़ा आसान कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा एक चीज और है, नरेंद्र मोदी जी ने कोई मतलब इनको 3.5 साल बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ था इमरान खान साहब को,
इसके पीछे क्या रीजन था? यही था कि बस ठीक है वो काम अच्छा कर रहा है तो बस ठीक है, मतलब खामोशी से अपना काम यहाँ पे हम लोग करेंगे जो करना है, तो इसको ना पूछना और ना कुछ और करना। देखिए पहले तो मैं ये बता दूं फकर साहब आपकी इजाजत से कि ये जो कहते हैं ना इसको पैसे दिए होंगे, मैं मुझे नहीं लगता कि किसी ने इमरान खान को पैसे दिए हैं ये सब करने के लिए। नहीं नहीं सर, हम जब क्या करते थे तो हमारे हवाले से लोग, अच्छा, मतलब इस तरह अच्छा, आपको, वो अच्छा, हम आपको क्या कहते हैं, कोई कहते रॉ से, बल्कि उसको यहाँ पे तो रॉ कहा जाता है, रॉ को हम लोगों ने लिया हुआ है ये, उसमें क्या। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा फकर साहब कि इमरान खान जो है वो आइडियोलॉजिकल किस्म का आदमी है, वो मतलब अगर किसी का घर आप जला देंगे तो आपको लगेगा कि वो इंसान बेघर हो जाएगा ना, बिल्कुल उसकी जान जा सकती है। यस, इमरान खान को ऐसा लगता है कि किसी का घर जला के वो घर और खूबसूरत हो जाएगा, वो बिलीव करता है कि वो, देखिए एक बंदा, तो दोस्तों देखा होगा किस तरह से सीपैक का तो भारत की जरूरत ही नहीं थी, उससे पहले ही इमरान खान भी सीपैक का तो बिल्कुल सफाया कर चुका है, और दूसरी तरफ गिलगित के लोग भी सीपैक को लेकर कोई ज्यादा खुश नहीं है, और जिस तरह आए दिन गिलगित के लोग भी इसके बारे में काफी नारेबाजी करती है, और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बलूचिस्तान में जिस तरह चीनियों के साथ जो कुछ बलोच लोगों ने रवैया अपनाया हुआ है, उससे लगता नहीं है कि सीपैक कभी भी किसी भी तरह से यह कामयाब हो पाएगा, और बलूचिस्तान के लोग चीनियों को कभी भी बलूचिस्तान में इस तरह घुसने नहीं देंगे, क्योंकि चाइना के लोगों ने जिस तरह से पंजाबी लोगों के साथ मिलकर जो बलोच लोगों के साथ जो कुछ कर रहे हैं उसका रिएक्शन अब बलोचों का आए दिन बम धमाकों के जरिए आ रहा है, तो आने वाले दो समय में यह पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खत्म हो जाने वाला प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों इसी को लेकर हम आपको पाक मीडिया की एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।